वीडियो में आपने मेरी ऑलरेडी देख देख ली होगी अगर नहीं देखी तो 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 आप लेना मैंने आपको फैक्ट्री टूर दिखाया लेकिन वो भाई से अंदर का भी तो दिखाना है। तो ले जाने वाला हूँ और हाँ, यह भी बताने वाला हूँ कि घर पे बैठे बैठे इलेक्ट्रिक स्कूटर कैसे है बनाने में सब कुछ देख लिया है सब कुछ आपको बताने वाला हूं तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है तरुण आप देख रहे हो ईवी चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट सो so दोस्तों सबसे पहले बात करें तो ये है इसका भाई भारत का व्यू और ये इंडिया की नहीं पूरे दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मेकर कंपनी है या फिर फैक्ट्री है जो आप इस टाइम देख रहे हो तो दिख दिखाने में काफी अच्छी लगती है एक प्रीमियम सी फैक्ट्री है ये और अब चलते हैं इसके अंदर अब ये जो फैक्ट्री देख रहे हो ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है इसे बोलते हैं तमिलनाडु ओलापट्टी इस फैक्ट्री को आठ महीने के अंदर बना के तैयार कर दिया था इसकी जो इन्होंने कैपेसिटी बताई थी वो थी दो मिलियन स्कूटर हर साल फिलहाल के लिए उस हिसाब से हर महीने बना रहे होंगे एक लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर तो चलो अब अंदर चलते हैं फैक्ट्री के अंदर जैसे मैं था वहां पर मेरे को देखने को मिलती राइट हैंड साइड पे एक जनरल असेंबली जनरल असेंबली क्या होती है भाई यहाँ पर एक कन्वेयर बेल्ट चल रही होती है और इसके ऊपर रखे हुए होते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर अब ये जो कन्वेयर बेल्ट है जहाँ स्टार्ट होती है वहाँ पे स्कूटर कुछ भी नहीं होता है और इस कन्वेयर बेल्ट के एंड तक स्कूटर बन के तैयार हो चुका होता है आप देख पा रहे होंगे ये जो कन्वेयर बेल्ट के साइड में पार्ट रखे हुए हैं जिसे ये वुमेन जो हैं सब लगा रही हैं और स्कूटर को तैयार कर रहे हैं जनरल असेंबली ये होगी यहाँ पे अच्छी बात ये है कि भाई यहाँ पे एक टीवी डिस्प्ले पे आपको सब दिख जाता है कि भाई यहाँ पे टारगेट कितना है आज का और हमने अभी तक कितने बना लिए है यहाँ पे ओटो मेशन इतना तगड़ा है भाई कि भाविश अग्रवाल चाहे तो अपने बेंगलोर वाले ऑफिस में बैठ के देख सकते हैं कि भाई हमारे कितने स्कूटर बन चुके हैं कितने असेंबली लाइन पे है वगैरह वगैरह तो इतना अच्छा ऑटोमेशन है यहाँ पे अब ये जनरल असेंबली आप देख रहे हो ये है भाई एंडिंग का पार्ट यहाँ तो स्कूटर बन के तैयार हो जाता है उसके बाद साइड में जब जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है साइड वॉक अब ये साइड वॉक क्या है भाई ये गैलरी टाइप है जो कि एक दो मंजिल ऊंची है यहाँ से आपको पूरी पूरी की पूरी फैक्ट्री का यहाँ पे नज़ारा देखने को मिल जाता है कहाँ पे स्पेयर पार्ट रखे हैं जनरल असेंबली पेंट बूथ वगैरह वगैरह जब इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें स्पेयर पार्ट देखने को मिलते हैं जैसे स्कूटर के शॉकर हो गए चेसी हो गई बैटरी हो गई डिस्क ब्रेक हो गए व्हील्स हो गए ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो एक चीज यहाँ पे अच्छी लगी वो था ये रोबोट अब ये जो रोबोट है ना भाई काफी अच्छा लगता है जब ये फुल पेज के साथ काम करता है इसकी गर्दन एनोकोंडा की तरह उधर घूमती रहती है इंटरेस्टिंग लगता है एक वो नहीं होता जो फायर ट्रक होता है और उसका जो पाइप होता है अगर वो गलती हाथ से छूट जाता है वो जैसे हिलता है सांप की तरह <laughs> तो वैसा ही कुछ फील लगता है मेरे को तो ये रोबोट करता है क्या है स्पेयर पार्ट्स को उठा के इधर से उधर ले जाता है जैसे आप इस पर देख पा रहे हो ये चेसी को खुद ब खुद ले जा रहा है और इसे कोई भी ज़रूरत नहीं है कि इससे पूछ पूछने कि हाँ भाई मुझे कहाँ जाना है ये भाई पूरा पूरा तैयार रहता है बिना किसी लोभ लाल काम करता है एक चीज और है इसके अंदर जैसे इस रोबोट के सामने अगर आप आ जाते हो ना तो ये रुक जाता है भाई और टू टू बोलने लगता है बोलता है कि भाई मेरे रास्ते से हट जाओ उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो हमें देखने को मिलती है भाई बैटरी बनती हुई जिसे हम बोलते हैं बैटरी लाइन और बैटरी लाइन बाइक सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस फैक्ट्री टूर का यहां बनना एक छोटी से सेल जो कि एल जी कैम कंपनी की तरफ से आता है उस सेल से पूरा बैटरी पैक कैसे बनता है वो काफी इंटरेस्टिंग होता है अब बैटरी लाइन पे बहुत सारे काम रोबोट द्वारा किया जाता है और कुछ काम यहाँ पे वर्करों द्वारा भी किया जाता है स्टार्टिंग होती है बैटरी सेल से जिसे रोबोट एक साथ उठाता है और बैटरी का जो फ्रेम होता है उसके अंदर डाल देता है इस बैटरी फ्रेम में ग्लू लगा हुआ होता है यानी जैसे ही इसमें यूवी रेस जाएंगे ग्लू टाइट हो जाएगा अब जो ये एक फ्रेम आप देख रहे हो इसमें एक सेल्स लगते हैं और इन दोनों फ्रेम से मिलकर बनता है एक बैटरी पैक तो यहाँ पे टोटल दो सेल्स हो जाते हैं ये सारा जो काम है यहाँ पे किया जाए रोबोट द्वारा अभी जो सेल्स होते हैं इनको लगाने से पहले भी इनकी इम्पिडेंस वगैरह चेक किया जाता है उस हिसाब से इन्हें लाइन वाइज लगाया जाता है उसके बाद होता है क्या है इनको लाइन में लगाने के बाद इन्हें जोड़ा जाता है और यहाँ पर इनकी वायरिंग भी की जाती है इन्हें सीरीज में लगाना है पैनल में लगाना है वो सब यहाँ पर चेक किया जाता है लगाने के साथ ही इन्हें चेक कर लिया जाता है कि इनमें कोई सेल डिफेक्टिव तो नहीं है अगर कोई होता है तो भाई उसे यहीं से यहीं टाटा बाय बाय कर दिया जाता है बैटरी दिखने में थोड़ी सी तैयार लग रही है लेकिन इसके ऊपर ब्लैक कवरिंग आती है और यहाँ पे बी लगाया जाता है जिसे हम बोलते हैं बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम अब जो BMS के कनेक्शन होते हैं वो भाई यहां पे वर्कर करते हैं जैसे इन बैटरी पैक को कवर वगैरह कर दिया जाता है नट बोल्ट कस दिए जाते हैं एस लग चुका है उसके बाद इनकी यहाँ पे टेस्टिंग भी की जाती है अब टेस्टिंग किस प्रकार होती है तो सबसे पहले यहाँ पे वोटर टेस्ट किया जाता है अब वोटर टेस्ट करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है सबसे पहले ये जो बैटरी होती है इसके अंदर एक प्रेशर बनाया जाता है एयर प्रेशर और उस प्रेशर को मेंटेन किया जाता है टाइम के लिए अगर वो मेंटेन कर लेता है तो इसका मतलब वो वाटरप्रूफ है उसमें से कहीं से भी हवा नहीं निकल सकती तो पानी तो क्या ही निकलेगा और अगर वो नहीं करता है तो यानी कि वो फेल हो जाता है और उसे आगे नहीं भेजा जाएगा तो वोटर टेस्टिंग यहाँ पे हो जाती है फिर वोटर टेस्टिंग के बाद भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं जहां पर सेल्स के ग्रुप को भी टेस्ट किया जाता है कि भाई ये वाला ग्रुप काम कर रहा है नहीं कर रहा है ये वाला वाला ऐसे करके यहाँ पे कई टेस्ट होते हैं वोटर टेस्ट होने के बाद ये जाता है भाई चार्जिंग डिस्चार्जिंग टेस्ट पे अब तक ये जो सेल है इनमें थर्टी तक का चार्ज होता है अब इसे हंड्रेड चार्ज किया जाता है फिर डिस्चार्ज नहीं आता फिफ्टी परसेंट तक ये साइकिल कई बार की जाती है जिससे यहाँ पर इसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग टेस्ट हो जाता है अगर इसमें पास हो गई तो आगे चलो नहीं तो यहीं से बाहर उसके बाद क्या होता है भाई यहां पे जो बैटरी के साथ और भी कंपोनेंट जोड़े जाएंगे उनका भी टेस्ट अलग से चल रहा होता है ये सब क्लियर होने के बाद एक बैटरी पैक बन जाता है तो मतलब इतना लंबा प्रोसेस होता है और एक्चुअल में ये और भी लंबा होता है ये तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ इसलिए आपको छोटा लग रहा होगा हमें बैटरी लाइन में घूमने में लगभग थर्टी मिनट लगे थे अभी जो बैटरी लाइन है अगर आप इसे ऊपर चढ़ के देख रहे हो मतलब साइड वॉक पे खड़े होकर देख रहे हो तो ठीक है जैसे आप इन बैटरी पैक्स के पास जाओगे तो आपको सबसे पहले गिलास पहना दिए जाते हैं और यहाँ पे ग्लव्स भी बैटरी लाइन के बाद हम जाते हैं भाई सीधा वेल्डिंग शॉप में वेल्डिंग शॉप में होता क्या है भाई एक रोबोट है इसकी भी गर्दन काफी तेजी से घूमती रहती है इसे पता होता है कि भाई कहाँ वेल्डिंग करनी है तो फ्रेम आते हैं फ्रेम में जहाँ जहाँ वेल्डिंग करनी होती है वहाँ पे वेल्डिंग कर देता है मुझे कोई इतना खास इंटरेस्टिंग नहीं लगा मतलब खुद ही करता रहता है अपने आप ही ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ पे वर्कर को भी रखा जाता है कि काम ठीक ठाक हो रहा हो तो वेल्डिंग में यही है भाई एक बॉक्स बॉक्स होता है है के अंदर ही वो रोबोट अपना काम करता रहता खुद ही खुद मशीन घूम जाती है और यहाँ पे वेल्डिंग पूरी हो जाती है स्पेशल और अच्छी बात यहाँ पे ये यह थी कि भावेश चक्रवाल ने हमसे खुद पूछा था कि भाई ये बताओ कि यहां पर आपको वेल्डिंग होती हुई नजर आ रही है किसी भी तरह की स्मेल धुआं आपको नजर आ रहा है तो भाई सरप्राइजिंगली वहां पे कोई भी धुआं या ज्यादा शोर नजर नहीं आ रहा था ये काफी इंप्रेसिव चीज थी ये इसे बना देती है नेक्स्ट लेवल फैक्ट्री तो यहां से हम सीधा कट मार के जाते हैं सीधा पेंट शॉप में अब पेंट शॉप में जाने से पहले हमें सबसे पहले एक टोपी बनाई जाती है वो वाली टोपी नहीं नॉर्मल वाली टोपी उसके बाद एक जादुई चोगा पहना दिया जाता है इन सब को पहनने के बाद हमें जाना होता है एक एयर कैबिन में यहाँ पे हमारे ऊपर बहुत सारी एयर छोड़ी जाती है जिससे हमारे जो आयंस वगैरह होते हैं वो निकल जाते हैं बॉडी में से उसके बाद हम जाते हैं पेंट शॉप के अंदर तो यहाँ भी भाई वही सेम प्रोसेस हो रहा है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो पैनल्स हैं उनके ऊपर रोबोट खुद ब खुद पेंट कर रहे हैं अभी इनके हाथ में होता है जोन सा कलर इन्हें करना होता है ये वो कर लेते हैं आई थिंक इनके पास दस कलर है और एक, एक एक्स्ट्रा आया था गेरुआ कलर तो वो सारे के सारे यहीं पर पे पे पेंट होते हैं अब इस पेंट शॉप के बाद जो कंपोनेंट है वो तैयार रहते हैं भाई स्कूटर बनने के लिए जो कि जनरल असेंबली लाइन पे जाके बनते हैं स्कूटर यहाँ से स्टार्ट होता है आगे जाते 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 एंड तक वो बनके तैयार हो जाता है ये जब स्कूटर बनकर तैयार हो गया तो इसे जाना पड़ेगा डायनो टेस्ट की तरफ डायनो टेस्ट में क्या होता है तो दो रोलर मतलब जो टेस्टिंग मशीन होती है बेसिकली दो रोलर होते हैं जहाँ पे पहिया घूमता रहता है तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि स्कूटर खड़ा करके डिफरेंट डिफरेंट मोड में टेस्ट किया जाएगा उसकी स्पीड क्या है उसकी ब्रेकिंग क्या है उसमें कोई वाइब्रेशन तो नहीं हो रही है या फिर कोई फॉल्ट तो नहीं हो रहा तो यहाँ पे इसे देखा जाता है कि भाई सारे टेस्ट पास कर ले अगर नहीं करता तो उसे ठीक किया जाता है और कर गया तो ये चला जाता है बाहर अब बाहर कहाँ जाते हैं तो बाहर जाता है ये ऑन रोड टेस्ट के लिए यहाँ पे पीछे आप जो देख पा रहे हो यहीं पे हमने मूव ओएस के साथ अपनी टेस्ट राइड ली थी गाने बजाते हुए यहाँ पे इसका टेस्ट राइड लिया जाता है ऑन रोड देखा जाता है कि भाई इसमें क्या सीन है सही भग रहा है नहीं भग रहा है बाकी जो फंक्शन है ब्रेकिंग है सस्पेंशन है वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं साइड में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वाटर टेस्ट किया जाता है कि स्कूटर अगर हम भगा रहे हैं और इतना पानी है तो उसमें आराम से सर्वाइव कर पा रहा है हाँ या ना तो ये भी टेस्ट यहाँ पे किया जाता है और जब स्कूटर इस टेस्ट को भी पास कर लेता है तो उसे भेज दिया जाता है इनके वेयर हाउस में जो कि फैक्ट्री के अंदर ही है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जो भी स्कूटर तैयार हो गए हैं वो खड़े हो चुके हैं अब ये तैयार हैं डिलीवर होने के लिए इनके कस्टमर के पास तो दोस्तों ये था इनका पूरा फैक्ट्री टूर अब आपको आई थिंक सब कुछ समझ आ गया होगा और मैं भी वेट कर रहा था कब ये वीडियो मेरे पास आएंगी फाइनली आ गई तो मैंने वीडियो बना दी अगर आपके पास अभी भी कोई सवाल है तो आप मेरे से कॉमेंट में पूछ सकते हो और हाँ गाइज मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि घर बैठे अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर कैसे बनाना है अभी मजा आएगा ना भीड़ सुख so, कुछ नहीं करना दोस्तों आपके पास जस्ट फंडिंग होनी चाहिए दो तीन हजार करोड़ की आपको भी एक ऐसी फैक्ट्री डालनी है और घर बैठे आप ओलेक्ट्रिक स्कूटर बना लोगे उसे मैं आपकी हेल्प भी करूंगा अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना